एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना में लंबे आराम के बाद राजनीतिक पर्यटन पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कृपया बताएं कि वे पीड़ितों के आंसू पोंछने गए थे या कांग्रेसियों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने के लिए गए थे। हम पर उंगली उठाने के पहले देखे, तीनों उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेमावर हत्याकांड पर कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है और कहा, यदि आपने कांग्रेसियों को संस्कारित बनाया होता तो इस प्रकार की घटना ही घटित नहीं होती। आरोपियों का संबंध पिछले 15 सालों से कांग्रेस से ही रहा है। कोरोना में लंबे आराम के बाद राजनीतिक पर्यटन पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, कृपया बताइए कि आप पीड़ितों के आंसू पोंछने गए थे या कांग्रेसियों को बचाने राजनीतिक दबाव बनाने के लिए गए थे। कोरोना काल में भरपूर आराम करने के बाद राजनीतिक पर्यटन पर निकले आदरणीय कमलनाथ जी, भाजपा पे आरोप लगाने के पहले ये तो सोचो कि वो 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, उसके पिताजी दादाजी, ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पे तिवारी जी चुनाव लड़े हैं। वहाँ पर एक उंगली हमारी तरफ उठाते हो तो तीन उंगली आपकी तरफ उठती हैं। और एक बात बताओ कमलनाथ जी, आप वहाँ पर कांग्रेसियों को बचाने के लिए दबाव बनाने गए थे या जनजाति के लोगों के आंसू पोंछने गए थे? अपने सवाल उनके मुंह में डाल के जिस तरह से पूछते हुए मैंने वीडियो देखा है, ये क्या है? अगर इतना ध्यान आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने पे दिया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटे जैसी घटना ये कांग्रेसियों ने घटित कर दी है। खुद राजनीति कर रहे हैं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल पाखंड किया और गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं, ऐसा तमाशा ना आपने नहीं देखा होगा। मिश्रा ने कहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौना कृत्य अक्षम्य अपराध है, ऐसे नर पिशाचों को सरकार फांसी के फंदे तक ले ही जाएगी। हमारी सरकार ने सबसे पहले फांसी की सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेसी पहले राजनीतिक पाखंड करते हैं और फिर गैर राजनीतिक बात करते हैं, ऐसा तमाशा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लगभग सुनवाई हमारी होती ही रहती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। पूरे प्रदेश में महिला थाने हमारे यहाँ खोल दिए गए। ये मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि महिला बेटी बच्ची के साथ कोई बलात्कार की घटना हो तो फांसी की सजा का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन एक बात आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ उस विषय पर आने के पहले, कि ये जो 5 साल की बेटी, 7 साल की बेटी, वास्तव में हृदय विदारक घटना है, मन आहत और पीड़ित हो जाता है। ये जो कहीं पिता आ रहा है ध्यान में, कहीं पड़ोसी आ रहा है ध्यान में, इसके लिए हम सबकी सरकार के साथ साथ मीडिया के पक्ष की और समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम समाज के अंदर इस तरह के वातावरण का निर्माण करें कि ये जो नर पिशाच का काम आप कर रहे हैं, एक बच्ची का पूरा जीवन नारकी बनाने की आप जो कोशिश करते हैं, ये अक्षम्य अपराध है और सरकार इन्हें फांसी के तख्ते पर ले ही जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।